महोदय, हम लोगों का ये कहना है युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, झारखंड के तमाम लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, इस पे हमको जवाब चाहिए। और जवाब नहीं होगा तो आज रात रुकना पड़े या कल दिन रुकना पड़े, 3 दिन है, हम लोग इसी सदन के अंदर रहेंगे, ये सदन को छोड़ के नहीं जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यह फैसला किया है कि जब तक मुख्यमंत्री युवाओं को अनुबंध कर्मियों के मुद्दे एवं अपने घोषणा पत्र के सारे वादे पर सदन में एक स्पष्ट जवाब नहीं देंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक सदन नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को झारखंड के सभी विषयों जिसमें पारा शिक्षक, सहायक पुलिसकर्मी, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ANM, GNM, होमगार्ड, पंचायत सेवक, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, JSLPS, नगरपालिका सफाई कर्मचारी, BRP, CRP एवं सभी समस्त अनुबंध कर्मियों के स्थायीकरण, बेरोजगारी भत्ता, स्थानीय नीति, JSSC घोटाला, JPSC घोटाला आदि सभी विषयों पर मुख्यमंत्री को आज सदन के अंदर जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यदि सत्र के अंतिम दिन बोलकर चले जाएंगे तो अंतिम सत्र के कारण जनता को इन सभी विषयों पर जवाब नहीं मिल सकेगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब मुख्यमंत्री इन सभी विषयों पर जवाब नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक सदन से बाहर नहीं जाएगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक सदन में मौजूद हैं, जबकि सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो चुकी है। हम लोगों का ये कहना है युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, झारखंड के तमाम लोगों के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ विषय, इस पे हमको जवाब चाहिए। और जवाब नहीं होगा तो आज रात रुकना पड़े या कल दिन रुकना पड़े, 3 दिन है, हम लोग इसी सदन के अंदर रहेंगे, ये सदन को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं आपको ये कहने वाला हूं, मुख्यमंत्री जी ने आज कहा सदन के अंदर कि विपक्ष के जो भी विषय हैं, मतलब राज्य के जो भी विषय हैं, चाहे वो पारा शिक्षकों का हो, सहायक पुलिसकर्मी का हो, मनरेगा कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, सहिया, ANM, JNM, हेल्थ वर्कर, पोषण सखी, होमगार्ड, पंचायत स्वयं सेवक, जलसहिया, कृषि मित्र, कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, व्यवसायी, प्रशिक्षित शिक्षक, अराजपत्रित कर्मचारी, भूमि सेशन JEE, दिव्यांगजन, JSLPS, नगर पालिका सफाई कर्मी, BRP, CRP सहित सभी अनुबंध कर्मी, सभी संविदा कर्मी, 5 लाख युवाओं को रोजगार का विषय, प्रतिवर्ष 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता का विषय, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना है तो विपक्ष को भी सुन लिया। मैंने ये सारे जो विषय बताए, ये सारे विषय इस सरकार ने वायदे के साथ लाने का काम किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैं बोलूंगा, ये पांचवें जो अपना विधानसभा है उसका आखिरी सत्र है, आखिरी सत्र के आखिरी दिन में वो बोलेंगे और बोल करके चले जाएंगे तो जनता का जवाब का कोई प्रत्युत्तर देने का कोई कार्य संचालन नियमावली में कोई हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज ही बोले, CBI जांच कराए, और महोदय जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम लोग इस सदन को छोड़ के जाने वाले नहीं है। चलिए।